हेलो जिगीश भाई, नमस्ते। कैसे आप? नमस्ते बद्री जी, क्या हाल है भाई? तो मैंने सुना है लुकिंग आजकल गुड। कुछ आप आजकल वीर में पायलट सेफ्टी के लिए कुछ नेटवर्क बना रहे हो। एक ग्रुप इसने चालू किया है, आप भी है उसमें, मैंने सुना है। तो इसलिए मैं सोचा लोगों को इसके बारे में थोड़ी सी अच्छे से डिटेल में बोल देंगे। तो ये क्या है, क्या नेटवर्क है ये? वीर कॉम नेटवर्क हम लोग सेटअप कर रहे हैं, जो पायलट सेफ्टी नेट है उसको बोल सकते हैं। तो वीर कम्युनिटी, वी आर लाइक राइट नाउ वी आर लाइक 4-5 पीपल वॉलंटियर्स। रघु इनिशिएटेड द आइडिया, सोहेल एंड केतन ज्वाइन इन दिस ग्रुप, एंड केतन हैज डन अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट फॉर द कम्युनिटी। रघु हैज डेवलप्ड द एंटायर डिवाइसेस एंड एवरीथिंग व्हिच वी नीड टू पुट इट अप एज अ बेस स्टेशन। And Sohail and Parabooking.com, they have supported few devices which we have set up during the trial time. तो ये network है, pilot के tracking के लिए बना हुआ है। तो pilots लोग कभी कभी mountains में signals नहीं होता है, तो ये network से pilot लोग को हमेशा हम लोग track कर पाएंगे on the internet map, plus application app आता है इसके साथ। वो app के अंदर भी map है, उसके through भी हम track कर सकते हैं। नॉट जस्ट ट्रैकिंग एंड मैपिंग, उसके अंदर मैसेंजर भी है। तो पायलट विदाउट सिग्नल, विदाउट सेल टावर, विदाउट मोबाइल, विदाउट सैटेलाइट, इफ दे आर स्टक समवेयर जहाँ पर उनको मोबाइल सिग्नल नहीं मिल रहा है, तो एटलीस्ट उनकी सेफ्टी, उनका स्टेटस क्या है वो मैसेज कर सकते हैं। और वो हमारे नेटवर्क के थ्रू वो मैसेजेस इंटरनेट पे भी आ जाएंगे और बाकी सारे डिवाइसेस में भी आ जाएंगे। तो ये नेटवर्क है हमारा। इसके लिए कुछ फी है? मंथली फीस जनरली स्पॉट के लिए आपको मंथली फीस देना पड़ता है? ये हमारा इनिशिएटिव जब स्टार्ट हुआ था तो वी वांटेड टू मेक कि ये इतना इजी हो सबके लिए कि उसके अंदर जैसे स्पॉट इन रीच उन लोग का जो एनुअल सब्सक्रिप्शन है बहुत ही हाई है, प्लस इट्स इलीगल इंडिया में, तो हमने ये सब्सक्रिप्शन फ्री कर दिया उसको। तो नेटवर्क मतलब आप इतना आसान से बोल रहे हो, क्योंकि जैसे कि एयरटेल है, ऐसा वोडाफोन है, इन लोगों को बहुत पैसा खर्चा होता है नेटवर्क बनाने के लिए। ये थोड़ा थोड़ी सी अच्छी सी बोलेंगे कि हाउ इज इट पॉसिबल फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल विथ फ्यू लाख रुपीस, ये नेटवर्क कैसा बनते हैं? मतलब क्या ये क्या टावर होता है, क्या होता है, क्या इक्विपमेंट होता है और कहाँ कहाँ पे होता है? जैसे सेल्युलर नेटवर्क होता है, उसमें सेल टावर लगते हैं बहुत सारी जगह पे जो बहुत सारे मोबाइल फोन्स को सर्व करते हैं, वैसे ही हम लोग भी टावर्स लगा रहे हैं वांटेज पॉइंट में जहाँ पे अच्छा सा लाइन ऑफ साइट व्यू रहेगा। और बिकॉज हम लोग ये जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, लोरा टेक्नोलॉजी है, लोरा एंड मैश टेक्नोलॉजी। तो लोरा में क्या होता है कि लॉन्ग रेंज रेडियो है एक, तो उनका रेडियो सेल से भी काफ़ी लाइन ऑफ साइट में, जितना लाइन ऑफ साइट है उतना उसका रीच रहता है। प्लस इट्स अ मैश, तो जितने भी डिवाइसेस हवा में हम फ्लाई कर रहे हैं, जैसे कि दिस इज द डिवाइस, इसके ऊपर एंटेना लगा हुआ है, तो ये डिवाइस भी एज अ टावर काम करता है। तो तो जितने ये यूजर डिवाइस है। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, दिस इज हाँ द ये यूजर यूजर डिवाइस। डिवाइस है। हाँ, ओके okay. तो ये एक ही डिवाइस फ्लाई कर रहा है, तो हमारे जो बेस स्टेशन लगेंगे पूरे माउंटेन्स में वो इनको कवर करेंगे। बट ये जब हवा में रहेंगे तो ये भी अपना नेटवर्क बनेगा जो बाकी सब पायलट का है। अगर एक पायलट यहाँ पर है, जैसे ये डिवाइस यहाँ उड़ रहा है वो 10 किलोमीटर दूर है, ये डिवाइस यहाँ उड़ रहा है जो 10 किलोमीटर और है, और हमारा बेस स्टेशन और 10 किलोमीटर नीचे है, तो ये डिवाइस का अगर लाइन ऑफ साइट नहीं है हमारे बेस स्टेशन के साथ तो ये रिले का काम करेगा। ओके तो दिस इज द मैश। ओके सो ईच डिवाइस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ सेल, सो ये अपना रेंज बढ़ाता है। जितने भी डिवाइस हवा में रहेंगे उतना इसका कवरेज बढ़ेगा। एक एक बेस स्टेशन के लिए कितना पैसा लगता है? हम लोग एक बेस स्टेशन अबाउट 15,000 लगेगा, जिसके अंदर बेस स्टेशन का हार्डवेयर, 15,000 प्लस में बेस स्टेशन का एक जो बेस स्टेशन सॉल, मिल जाएगा? 15,000 में एक बेस स्टेशन यहाँ जी या है ना? या जैसे कि हमारा हाँ जी हमारा टेक ऑफ में एक बेस स्टेशन हो गया, लैंडिंग पे एक हो गया, बिग बेस में एक हो गया, ऐसा एक एक या बेस स्टेशन 15-15 हज़ार में सेट हो जाएंगे। तो हाँ जी हाँ जी हमें पूरा रेंज अपना लगभग 100 किलोमीटर की लेंथ है, तो ईस्ट टू या वेस्ट, तो इसके लिए आपके हिसाब से कितना बेस स्टेशन लगेंगे? हम लोग 20 बेस स्टेशन का प्लानिंग कर रहे हैं, जो पूरा का पूरा यहाँ से लेके डलहौजी और मंडी, पूरा हमारा ये फ्लाइंग फ्रंट रेंज है, प्लस ओवर द बैक जो कुछ डिवाइसेस लगेंगे और कुल्लू वैली, पूरा कवर करते हैं। 20 बेस स्टेशन विल कवर ऑल दिस एरिया। और ये जस्ट पायलट कम्युनिटी के लिए नहीं है, हिमाचल इज अ डिजास्टर प्रोन एरिया,
इमरजेंसीज होती रहती है, तो विलेजेस व्हिच आर देयर इन द रिमोट वो भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो इसका मतलब हमारे नेटवर्क को 20 फिक्स्ड स्टेशंस हो गया, वो परमानेंट रहेंगे। तो उसके अलावा जितने पायलट, उसमें सोलर पैनल लगेगी। ओके, सोलर पैनल लगेगी और कुछ रिमोट डिवाइसेस में हम लोग वाईफाई डोंगल लगाएंगे, जहाँ पे सेल टावर अवेलेबल है वो इंटरनेट के साथ कनेक्टिविटी के लिए कुछ बेस स्टेशन में इंटरनेट रहेगा, और सोलर पैनल सब बेस स्टेशन में रहेगा, तो 247 इट विल ऑपरेट। तो आपका डिवाइस हर 3 मिनट में ट्रांसमिट कर ही रहा है लोकेशन, तो कोई भी डिवाइस अगर हमको लास्ट उनका नोन लोकेशन पता है तो उसके ऊपर कोई भी उड़ के जाएगा, या ड्रोन उड़ के भी जाएगा, या हेलीकॉप्टर रेस्क्यू करने जा रहा है, तब ये डिवाइस लेके जाएंगे तो हमको एग्जैक्टली वैली में कहाँ पर है कोई, वो एग्जैक्टली उसका लोकेशन हमको मिल जाएगा। प्लस इसका जो बैटरी है 2 दिन नॉन स्टॉप 48 आवर्स नॉन स्टॉप एवरी 3 मिनट रिले करता है, एंड प्लस इसके अंदर USB पोर्ट लगा हुआ है, तो पावर बैंक के इनडेफिनेटली पायलट इज स्टक इन द विल्डरनेस इनडेफिनेटली उसको सिग्नल अपना भेज सकता है, और नेक्स्ट डे नहीं तो नेक्स्ट आवर नहीं तो नेक्स्ट डे समबडी विल फ्लाई ओवर हिम एंड उनका इन्फॉर्मेशन हमको मिल जाएगा। एक्सेलेंट, वो एक डिवाइस थोड़ा सा क्लोजअप में दिखाएंगे कैसा है और कितना वजन है उसका? इट्स एक्सट्रीमली लाइट वेट, इट्स वेरी टाइनी, थोड़ा सा प्लास्टिक का बना हुआ है। इसके साथ अलग अलग डिवाइसेस भी आते हैं जो क्रेडिट कार्ड्स के साइज के भी है, इतना फ्लैट इतने पतले क्रेडिट कार्ड के साइज के, वेरी चीप, वन ऑफ द वेरिएशंस, देयर इज वन ऑफ द वेरिएंट्स अवेलेबल। ऐप इंस्टॉल करना पड़ता है ऐसा कुछ है? हाँ जी, इसके साथ एक ऐप है, उसका हम लोग वीडियो बनाएंगे आपको, आई डोंट नो अदर यू कैन सी इट और नॉट, यहाँ पे मेस्टा स्टिक करके एक ऐप है उनके लिए बना हुआ है, ये ऐप बना हुआ है, और वो ऐप के अंदर आपको सारे के सारे जितने भी लोग फ्लाई कर रहे हैं उनके ऐसे डिवाइसेस दिखेंगे, आप उनको मैसेजेस करने के लिए मैसेजिंग कर सकते हैं उनको, और वहाँ पे डिवाइस के अंदर मैप बना हुआ है, जो मैप में कौन कहाँ पे फ्लाई कर रहा है ये लाइव है, ये करंट इन्फॉर्मेशन है। ये वीडियो देख के लोगों को ऐसा आइडिया ना लगे कि यार बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हम लोग इसके लिए कर रहे हैं, हम वॉलंटियर्स लोग कर रहे हैं, ताकि पायलट को सिर्फ ये स्विच ऑन करना है और इसको लेके फ्लाई करना है, उनको और कुछ नहीं करना है टू बी ट्रैक, तो उनके लिए इतनी लाइफ ईजी कर रहे हैं हम लोग। ये सारा हार्डवर्क जो है हम कम्युनिटी बैकग्राउंड में कर रहे हैं, और हम लोग ये फंड यूज करके हम ये नेटवर्क इतना अच्छा बनाएंगे कि बाकी सब पायलट जो भी लेके उड़ेगा दे कैन बी कवर्ड। 20 टावर्स इनटू 15,000 इज लगभग 3 लाख 3 लाख 25 50 जो भी हो रहा है। तो इज देयर एनी मेंटेनेंस और एनी आरएनडी और ऐसा कुछ है इनिशियली कि क्योंकि हमें ये ब्रेकअप ऐसा किया था कि 20 टावर्स अबाउट 100,000 फॉर मिसलेनियस एक्सपेंसेस, क्योंकि हर टावर का मतलब कोई फेलियर होता है तो वापस जाना पड़ता है, टैक्सी इज वेरी एक्सपेंसिव यहाँ से, अगर धर्मशाला 5 बार जाना पड़ा, धर्मशाला के पास भी अगर 3-4 और स्टेशन है वहाँ पे भी हमको जाना पड़ा, तो इट्स वेरी एक्सपेंसिव प्रपोजल, यू नो वी हैव टू गेट पीपल, और कुछ माउंटेन्स में लेके जाना पड़ेगा विद अ म्यूल, वी विल हैव टू कैरी दिस डिवाइस ऑल द वे टू द टॉप और वहाँ पे डिप्लॉय करना पड़ेगा, ऑल दस मिसलेनियस एक्सपेंसेस प्लस R&D कॉस्ट, each devices like we as a developer we need to buy this, these are the devices which I have bought from my own personal funds, but we will have to, every new device which comes in the market we will have to try it out, you know, so that few of our volunteers will need to buy that 100,000 extra for that, for R&D and all, and website hosting and development everything Ketan is doing it, that is also expensive, we would like to pay that also adds to an expense, so right now we are not doing that, but in future that will also come, तो ये इतने खर्चे हैं वैसे, बट इट्स बहुत स्मॉल खर्चा है, अगर अब देखिए 1 life सेव्ड, 1 life एनी 1 life इवन इन आफ्टर 5 years 1 life सेव्ड, ये पैसा लाइक यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट, पीस ऑफ माइंड विद फ्रेंड्स एंड फैमिली ऑफ द पायलट गेट दैट दे कैन सी देम फ्रॉम होम, कहाँ है पहाड़ों में मेरा बच्चा, यू नो लाइक दैट इफ सम पेरेंट्स और सम wife or you know friends worried about them, agar pilot jisko wo unka tracking ka share karta hai ki unka children ho unka maa baap ho wife kisi ko bhi ho, peace of mind ka value also is like much astronomical than what this 5 lakh we are putting here, is 3 lakh rupaya 20 tower ke liye usko installation karne ke liye paisa kharcha hoga, usko R&D karne ke liye paisa kharcha hoga, website ke liye paisa kharcha hoga,
सो बेसिकली हम लोग ये मांग रहे हैं कि एनी वेयर बिटवीन 4.5 to 5 lakh rupees टू कवर ऑल एक्सपेंसेस टू मेक द नेटवर्क एक्टिव। तो सारे की सारे कम्युनिटी दोस्तों को हमारी एक रिक्वेस्ट है दैट ये टावर्स बहुत जरूरी है। 15,000 रुपये का एक टावर आता है, तो ये टावर्स डालना बहुत जरूरी है पूरा 100 किलोमीटर में, ताकि जब हम फ्लाई करें तो हमें हमारी लोकेशन वो यहाँ पे नीचे जो भी लोग ट्रैक कर रहे हैं उन लोगों को दिखे, और किसी कारण से हमें कोई मौसम खराबी की वजह से कहीं ना कहीं उतरना पड़ा तो लोग हमें ट्रेस करें और क्विकली हमें हेल्प करें। जिगीश भाई, आपको और आपकी पूरी टीम को जो ये जो इनिशिएटिव आप लोगों ने जो लिया है, ये बहुत पायलट कम्युनिटी के लिए, इंडियंस एंड एज वेल एज पीपल कमिंग फ्रॉम अब्रॉड, सबके लिए बहुत बहुत यूजफुल होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर एफर्ट।